हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डिमार्केटिंग वॉल में। मेरा नाम है अभिषेक। दोस्तों, आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है हाउ टू पोजीशन योर ब्रांड और हाउ टू पोजीशन कंटेंट मार्केटिंग स्ट्रेटेजी फॉर योर ब्रांड। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम इसी चीज के बारे में कंप्लीटली बात करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, इससे पहले कि मैं इस वीडियो को स्टार्ट करूं, जल्दी से करें चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस, ताकि जब भी मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। ओके गाइस, तो पोजीशनिंग योर ब्रांड का मतलब क्या होता है? एक्चुअल में क्या होता है कि हमारा जब भी एक ब्रांड होता है, ठीक है, जहां हमारा कोई भी एक बिजनेस है, उसको ही हम ब्रांड, उस बिजनेस का जो भी नाम रहता है उसको हम ब्रांड बोलते हैं। ठीक है, कोई ब्रांड अगर मान के चलिए कि अगर मान लो कि ई कॉमर्स बिजनेस है और उसको नाम दे दिया फ्लिपकार्ट, तो जो ब्रांड नेम हुआ वो फ्लिपकार्ट हुआ। ठीक है, तो इस तरीके से एक ब्रांड होता है। अब हमारा जो ब्रांड है उसको हमें पोजीशन करना है। पोजीशन का मतलब क्या होता है? एक्चुअल में हम इसको कह सकते हैं लोकेशन, या फिर हम ये कह सकते हैं कि टारगेटिंग। ठीक है, हम इसको थोड़ा सा और प्रॉपरली अगर बोले तो टारगेटिंग कह सकते हैं। ठीक है, अब किस तरीके से ये की जाती है, और हमारा जो अभी सीरीज चल रहा है वो कंटेंट मार्केटिंग का चल रहा है, तो एक्चुअल में यहाँ पर हमारे ब्रांड को पोजीशन नहीं कर रहे हैं, हम कंटेंट मार्केटिंग स्ट्रेटजी को पोजीशन कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, इन दोनों चीजों में डिफरेंस है, लेकिन हमारा जो फाइनल गोल रहता है वो सेम ही रहता है। ठीक है, तो इस वजह से मैंने इसको एक ही वीडियो के अंदर कंबाइन कर दिया। ठीक है, तो अब पोजीशन योर ब्रांड का मतलब क्या होता है? अपने ब्रांड को अपने ऑडियंस तक पहुंचाना। ठीक है, अब ये जो ऑडियंस वर्ड है ना, ये बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए हम इसको 3 स्टेप्स में करेंगे। पोजिशनिंग ऑफ ब्रांड को हम 3 स्टेप में करेंगे। ठीक है, तो अब सबसे पहला, जो पहला स्टेप होता है हमारा यहाँ पर, क्योंकि ये जो चीजें हैं ये बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है, अगर सारी की सारी चीजें हम प्रॉपरली कर लेते हैं तो इजिली 3 स्टेप्स के अंदर अंदर हमारा जो काम है वो हो जाएगा, नहीं तो ये बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, क्योंकि हमें ये जो चीजें करना बहुत जरूरी है। अगर हम इस चीज, हर एक चीज को स्टेप बाय स्टेप अगर करेंगे नहीं, तो हमारा बिजनेस धीरे धीरे हमें फेल होता हुआ दिखेगा। ठीक है, क्योंकि फेल कैसे होगा, मतलब एक बार अगर ग्रो हो गया तो फेल होना तो बहुत चांसेस कम होते हैं, लेकिन हम जब एक बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो 5 महीने 6 महीने बाद भी हमें अगर ग्रोथ बिल्कुल भी नजर नहीं आती, इसका मतलब क्या होता है कि हम गलत जा रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे में ये चीज अगर हम शुरू में ही कर देते हैं तो 6 महीने बाद इसके बारे में सोचना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो अब सबसे पहले हमें बात करनी है कि यहां पर जो हमारा बिजनेस है या फिर जो हमारा ब्रांड है वो एक्चुअल में कहता क्या है, हमारा पर्पस क्या है उसको लेके, हमारा जो एक्चुअल पर्पस हमारे ब्रांड को लेकर, हमारे बिजनेस को लेकर हमारा पर्पस क्या है, और हम इसमें क्या क्या चीजें करेंगे और क्या नहीं करेंगे। ठीक है, इस चीज के बारे में हमारे खुद को एक क्लैरिटी होनी चाहिए। ठीक है, अपने आप को एक क्लैरिटी सबसे पहले दो, वही हमारा पहला स्टेप है, क्योंकि इसके बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। ठीक है, तो आपका बिजनेस क्या करता है? अब मैं यहाँ पर आपको दो चीजें बताऊंगा, दो तरह के बिजनेस बताऊंगा। एक तो मान लीजिए कि एक सर्विस है। ठीक है, मान लो कि मैं डिजिटल मार्केटिंग सिखाता हूँ। ठीक है, तो मेरा जो सर्विस रहेगा वो डिजिटल मार्केटिंग सिखाना, मेरा सर्विस है, मैं सर्विस दे रहा हूँ। ठीक है, अब दूसरा है, मैं प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ, मार्बल हैंडीक्राफ्ट। ठीक है, अब मैं एक मार्बल हैंडीक्राफ्ट सेल कर, एक्चुअल में सेल करता हूं तो इसलिए मैं इसका एग्जांपल ले रहा हूं। तो अब यहां पर डिजिटल मार्केटिंग सिखाना एक सर्विस हो गया, और दूसरा जो मार्बल हैंडीक्राफ्ट सेल करना वो एक प्रोडक्ट सेलिंग सर्विस हो गया। ठीक है, अब यहां पर हुआ क्या कि इन दोनों चीजों में अब मुझे पता है कि मुझे यहां पर डिजिटल मार्केटिंग सिखाना है लोगों को, जिन लोगों को डिजिटल मार्केटिंग करना बिल्कुल भी नहीं आता, और यहां पर मतलब अगर हम बात करें तो ऑडियंस के बारे में हम बाद में बात करेंगे, मेरा काम है कि मैं ऐसे लोगों को डिजिटल मार्केटिंग सिखाऊं जिनको सीखना है। ठीक है, सीधी सी बात है, लोगों को डिजिटल मार्केटिंग सिखाना है, और ताकि वो लोग अपने बिजनेस को ग्रो कर पाए, ये मेरा गोल है। ठीक है, अब मैं इसके अंदर क्या करूंगा क्या नहीं करूंगा, मैं डिजिटल मार्केटिंग के जितने भी एथिकल वेज है वो सभी तरीके का यूज करके मैं लोगों को सिखाऊंगा, और मैं इसमें क्या नहीं करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इसमें कभी भी कोई इलीगल तरीका यूज नहीं करूंगा, मतलब स्पैमिंग नहीं करूंगा, बॉट ट्रैफिक नहीं भेजूंगा। ठीक है, ये सारी चीजें जो है ये मेरा एक एथिक्स है जो मैं फॉलो करूंगा, कि कुछ भी हो जाए, चाहे मुझे कितना भी बड़ा नुकसान हो जाए, चाहे मुझे कुछ भी हो जाए, मैं कभी भी कहीं भी आगे जाकर स्पैमिंग नहीं करूंगा। ठीक है, ये मेरी पहचान है। एक्चुअल में क्या है कि ये ना करने से मुझे बहुत नुकसान होगा, अगर मैं लोगों के वेबसाइट पे बहुत ट्रैफिक भेजता हूँ तो इससे क्या होगा, एकदम से मतलब एक छोटा सा ग्रोथ देखने को मिलेगा। ठीक है, बहुत लंबे टाइम पर नहीं करना होता है कभी भी स्पैमिंग, क्योंकि उससे और नुकसान हो जाता है, लेकिन अगर एक शॉर्ट टाइम के लिए अगर हम करते हैं तो इससे तो कुछ फायदा होता है, लेकिन एक्चुअल में स्पैमिंग हमें कभी भी नहीं करनी चाहिए। तो वो मेरी पहचान है कि मैं कभी भी कुछ भी हो जाए बहुत ट्रैफिक भेज के कभी भी किसी भी कस्टमर को अंधेरे में नहीं रखूंगा। ठीक है, तो और दूसरी चीज ये है कि मैं उनको अच्छा सर्विस दूंगा, ये तो वो है जो मैं करूंगा। और डिजिटल मार्केटिंग कोर्स अगर मैं किसी को सिखाता हूं तो मैं उन्हें सब कुछ सिखाऊंगा, लेकिन कभी मैं उन्हें गलत तरीका नहीं सिखाऊंगा। ठीक है, वो मेरा एक एथिक्स है। अब दूसरा, प्रोडक्ट की बात जैसे हम बात की थी,
तो मैं मार्बल हैंडीक्राफ्ट सेल करता हूँ। अब इस मार्बल हैंडीक्राफ्ट के बीच में चाहूं तो सॉफ्ट स्टोन के हैंडीक्राफ्ट भी सेल कर सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं करूंगा। ठीक है, अगर हम बात करते हैं, सॉफ्ट स्टोन थोड़ा सा सस्ता होता है और वो बिकते भी ज्यादा है, लेकिन फिर भी अगर मेरा मार्बल हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस है तो मैं सिर्फ और सिर्फ मार्बल सेल करूंगा, मैं उसके अंदर सॉफ्ट स्टोन बिल्कुल भी इंक्लूड नहीं करूंगा। ठीक है, ये मेरे बिजनेस का एक एथिक्स है जो मैं फॉलो करता हूँ, ये मेरे बिजनेस की पहचान है कि मैं कभी भी इसके अंदर सॉफ्ट स्टोन के बीच में नहीं घुसाऊंगा, या फिर मैं कभी भी स्पैमिंग बीच में नहीं घुसाऊंगा। अपने डिजिटल मार्केटिंग कोर्स में या फिर डिजिटल मार्केटिंग किसी कंपनी के लिए मैं करता हूँ तो कभी भी उस कस्टमर के लिए मैं कभी स्पैमिंग नहीं करूंगा। ठीक है, तो ये मेरी पहचान है, और बाकी जो मैं कर रहा हूँ उसको तो मैं क्लियरली बता रहा हूँ लोगों को। ठीक है, एक तो मैं खुद मुझे बताया कि मैं क्या कर रहा हूँ, और मैं क्लियरली बताऊंगा कि मैं एक्चुअल में आप लोगों के लिए क्या कर रहा हूँ। ठीक है, ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, ये जो पहला स्टेप है आपको इसको बहुत अच्छे तरीके से फॉलो करना होगा। खुद को पहले क्लैरिटी दिलाओ कि आप क्या कर रहे हो, और अपने कस्टमर को क्वालिटी मतलब क्लैरिटी दिलाओ कि आप क्या करोगे उसके लिए, और आप क्या नहीं करते हो, किसी भी हालत में आप क्या नहीं करते हो वो भी आपको क्लियर करना है, क्योंकि तभी आप स्पेशल लगोगे, तभी आप सबसे हटके रहोगे, तभी लोग आपको याद रखेंगे। अगर आप सब जो कर रहे हैं वही आप भी करोगे तो लोग आपको याद नहीं रखेंगे, तो कुछ ना कुछ स्पेशल आपको करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो एक्चुअल में यहाँ पर यही चीज जो मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता। अब जो है दूसरा स्टेप आता है, ठीक है, अपने ऑडियंस को पहचानो। ठीक है, योर टारगेट ऑडियंस। अब टारगेट ऑडियंस की अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो अगर मैं अपने डिजिटल मार्केटिंग सर्विस की बात करूँ या फिर डिजिटल मार्केटिंग कोर्स में सिखाता हूँ उसकी अगर मैं बात करूँ, तो मेरे टारगेट ऑडियंस दो तरह के हो सकते हैं। ठीक है, अगर कोर्स सिखाता हूँ तो मेरे यहाँ पर एक पहला टारगेट ऑडियंस क्या होगा, बिगिनर्स, जिनको डिजिटल मार्केटिंग का मतलब डी भी नहीं पता, कहने का मतलब डेफिनेशन भी नहीं पता। ठीक है, तो अब ये भी हो सकता है मेरे टारगेट ऑडियंस, या फिर ऐसे लोग हो सकते हैं जिनको डिजिटल मार्केटिंग थोड़ा बहुत आता है लेकिन वो अपने स्किल्स को इंप्रूव करना चाहते हैं, वो भी हो सकते हैं मेरे टारगेट ऑडियंस। ठीक है, अब ये दो तरह के टारगेट ऑडियंस है जिनके लिए मैं यहाँ पर सर्विस प्रोवाइड करवाता हूँ, तो मुझे फोकस उन लोगों पे करना है जो लोग बिल्कुल भी, जिनको पता नहीं है डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स ढूंढ रहे, जिनको बिल्कुल डिजिटल मार्केटिंग के बारे में कोई आइडिया नहीं है। ठीक है, ऐसे लोगों को मुझे ढूंढना पड़ेगा, ऐसे लोगों को मुझे टारगेट करना पड़ेगा, या फिर मुझे ऐसे लोगों को टारगेट करना पड़ेगा जो कुछ कंपनीज में काम कर रहे हैं, या फिर मान लो कि ऑलरेडी SEO कर रहे हैं या फिर SEM कर रहे हैं, जो उसके अंदर की जो डेप्थ में जो सीखने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे लोगों को मुझे टारगेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो मेरे पास इन लोगों के सामने मैं अपनी कंटेंट मार्केटिंग कर सकता हूँ, या फिर इन लोगों के सामने मैं अपने बिजनेस को लेके जा सकता हूँ, अपने पोजीशन कर सकता हूँ अपने ब्रांड को। ठीक है, तो ऐसे जब लोगों के सामने मेरे जब बिजनेस जाएगा तो ये लोग, इनकी नजर पड़ेगी, क्योंकि क्योंकि क्या एक्चुअल में क्या हो रहा है, इनको सीखना है डिजिटल मार्केटिंग या फिर इनको अपने स्किल्स को इम्प्रूव करना है, तो अगर इनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिलेगा जो कि मेरा ब्रांड होगा, तो वो क्या करेंगे, उस ब्रांड के बारे में वो पहली बार तो सुनेंगे, सुनने के बाद वो उसके बारे में रिसर्च करेंगे, वेबसाइट आके चेक करेंगे कि यहाँ पर कितने रुपए में सर्विस मिलती है, कितने में ये कोर्सेस मिल रहे हैं, क्या चीजें, वो सारी चीजें आके वो लोग चेक करेंगे। चेक करने के बाद उनको मैं कुछ एक्स्ट्रा देता हूं। अब हम पहुंच रहे हैं हमारे तीसरे पॉइंट पर, ठीक है, कि हमने लीड तो जनरेट कर लिया, अब हमें उन्हें मतलब अब उस लीड्स के अंदर हमारे लिए एक छोटा सॉफ्ट कॉर्नर है कि हमारे हमारे ब्रांड के बारे में उन्हें पता चला है। ठीक है, हमारे ब्रांड वेबसाइट के अंदर वो आए हैं, अब उनको कन्वर्ट करना है कस्टमर में। ठीक है, अब मुझे क्या करनी होगी अपने ब्रांड के साथ, अब यहाँ पे क्या करना होगा, एक्चुअल में मुझे कुछ ऐसा देना होगा जो बाकी लोग नहीं कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने अपना पहला फर्स्ट पॉइंट बताया, लेकिन यहाँ पर चीजें थोड़ी अलग होने वाली है, क्योंकि आपको कुछ एक्स्ट्रा देना है। जैसे मान लीजिए कि मैं अपनी साइट पे आ रहा हूं, तो मैं उन लोगों को कोई चीज फ्री में प्रोवाइड करवा सकता हूँ। ठीक है, हो सकता है मेरे कुछ कोर्सेस है डिजिटल मार्केटिंग सर्विस के लिए, वो आ रहे हैं लोग मेरे पास, और मैं उनको कुछ कोर्सेस फ्री में दे देता हूँ। ठीक है, या फिर मैं उनको कुछ कोर्सेस बहुत ही कम प्राइस में दे देता हूँ, जिससे वो खुद भी अपनी डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हो, या फिर अगर उनके पास टाइम नहीं है तो फिर भी मुझसे करवा सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहाँ पर ये चीज नहीं करता हूँ तो क्या होता है कि लोगों को यहाँ पर आके कुछ स्पेशल नहीं मिल रहा है। ठीक है, स्पेशल नहीं मिल रहा है तो लोग हमारे पास बार बार कैसे आएंगे। ठीक है, तो ये चीज होती है, अगर आपके पास कोई आया, आपने उनको कुछ स्पेशल दिया, उनको अच्छा लगा, तो उनके माइंड में चीज रहती है कि हाँ यहाँ पर मुझे फायदा हुआ था और तो मैं इनसे एक बार करवा के देख लेता हूँ। ठीक है, अब मैंने उनको डिजिटल मार्केटिंग करके दिया, डिजिटल मार्केटिंग करने के बाद मैंने उनको अगर ऐसा बोल दिया कि आपने तो मुझे 3 महीने के लिए पे किया था, मैं आपको इसके बाद 3 महीने का और एक्स्ट्रा सपोर्ट दूंगा, जिसमें आपको अगर कभी भी कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं उनको सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, उसके बीच में अगर उनको कोई प्रॉब्लम आती है और मैं उनको सॉल्व कर देता हूँ, तो लाइफ टाइम के लिए वो मेरे कस्टमर बन जाएंगे, लाइफ टाइम वो मुझसे डिजिटल मार्केटिंग करवाएंगे। क्यों? क्योंकि मैंने कुछ ऐसा दिया जो मेरे कंपटीटर्स नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, किसी कस्टमर को अपने पास लेके आना तो इतना कोई डिफिकल्ट काम नहीं होता, लेकिन
एक्चुअल में होता है, लेकिन अगर एक बार आ गए तो उसके बाद उनको रिटेंशन मतलब उनको रिटेन करवा कर पाना अपने पास, वो बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, तो ये भी एक पोजिशनिंग में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट करता है कि आप दूसरों से क्या अलग कर रहे हो, दूसरे जो दे रहे हो उससे ज्यादा क्या दे रहे हो आप। ठीक है, वो चीज बहुत ज्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट होती है। तो सीधी सी बात है, हमने यहाँ पर सारी चीजें डिस्कस कर ली, तीनों स्टेप्स हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिए, जिसके अंदर पहला स्टेप अपने ब्रांड के बारे में आपको पूरी क्लैरिटी होनी चाहिए, आप क्या करते हो और क्या नहीं करते हो, इसकी क्लैरिटी आपके कस्टमर को भी होनी चाहिए। दूसरी बात, आपके ऑडियंस कौन है, ये आपको अपने ऑडियंस के सामने ही आपको टारगेट करना है। अगर मैं अपने कोर्स की बात करूं तो बिगिनर्स हो सकते हैं या फिर इंटरमीडिएट हो सकते हैं, जो भी मतलब इंप्रूव करना चाहते हैं वो लोग हो सकते हैं। तीसरा, अगर ये जो लोग हैं जो बिगिनर्स और जो इंटरमीडिएट, अगर इन लोगों को मैंने अपना लीड में बना लिया, तो इन लोगों के सामने और मुझे मार्केटिंग करनी पड़ेगी, मैं उन्हें एक्स्ट्रा क्या दे रहा हूँ, मतलब कंटेंट मार्केटिंग करनी पड़ेगी, मैं उनको एक्स्ट्रा क्या दे रहा हूँ जो मेरे कंपटीटर्स नहीं कर रहे हैं, उसका प्रूफ भी मेरे को देना है अपने कॉन्टेंट के थ्रू, और वो कॉन्टेंट सिर्फ इन लोगों के सामने जाना चाहिए। पहले हमने एक वास्ट ऑडियंस को पकड़ा, जैसे कि हमारे पिछले वीडियो जो पब्लिश हुआ था फनल में, मैंने कहा था एक वास्ट ऑडियंस को पकड़ा हमने और उसको धीरे धीरे फिल्टर करके निकाला, कस्टमर्स में कन्वर्ट किया हमने। तो कुछ वही चीजें यहां पर भी हम अपने जो ब्रांड पोजीशनिंग है वो भी कुछ इसी तरीके से करना है कि सबसे पहले हमें ये शुरुआत से लेकर चलना है और एंड में लीड को हमें कस्टमर में कन्वर्ट करना है। ठीक है गाइस, तो इसी को हम कहते हैं पोजीशनिंग ऑफ ब्रांड। तो गाइस उम्मीद है कि आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई है और मैंने आपको सभी चीजें बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियर कर दी। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उन सभी का आंसर आपको जरूर दूंगा। और अगर वीडियो पसंद आया यार गाइस, लाइक जरूर कर देना, क्योंकि इससे मुझे आगे वीडियो बनाने की और मोटिवेशन मिलती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। दोस्तों उम्मीद है वीडियो को पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए। आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि इससे मेरे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।